वर्चुअल फोन लाइन एक ऐसी सर्विस है जिसके जरिए आप अपने लोकल पाकिस्तानी मोबाइल के ऊपर इंटरनेशनल नंबर ले सकते हैं। ये नंबर किसी भी 20 मुल्कों का हो सकता है जो वर्चुअल फोन लाइन ऑफर करती है। फॉर एग्जांपल US, UK, कनाडा, सिंगापुर, हांगकांग, चाइना, मलेशिया, इन जगहों के नंबर हैं। इसके अलावा सारे के सारे तकरीबन जो यूरोपियन कंट्रीज हैं उनके भी नंबर अवेलेबल हैं। वर्चुअल फोन लाइन के ऊपर साइन अप करना बहुत आसान है। आप सिंपली जाएं वेबसाइट के ऊपर, और अगर आप फेसबुक यूज़र हैं तो ऐप कनेक्ट दबा दें तो आपका सारा साइन अप फेसबुक के थ्रू हो जाएगा। लेकिन अगर आप रेगुलर यूज़र हैं, फेसबुक नहीं यूज़ करते हैं, तो आप सिंपल साइन अप फॉर्म साइन करें, नाम दीजिए, ईमेल दीजिए, कंफर्म कीजिए और दैट्स इट। उसके बाद जो आपकी चार्जिंग है वो क्रेडिट कार्ड के थ्रू होती है, और आप क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हैं, क्रेडिट कार्ड की डिटेल्स डालते हैं, सर्विस आपकी इनेबल हो जाती है। टोटल टाइम आपका साइन अप से लेकर नंबर इनेबल करने तक के लिए 6 मिनट होगा। फ़ायदा इसका यह है कि अगर आपके कोई दोस्त अहबाब ऐसे हैं जो आपके मुल्क से बाहर हैं, समझिए कि आप बिज़नेस करते हैं US के साथ या आप बिज़नेस करते हैं मलेशिया के साथ, तो आप अपने कस्टमर को ये कहेंगे कि भाई आप मुझे पाकिस्तान में कॉल कर लें, तो वो मोबाइल से नॉर्मली अब लोग आजकल के ज़माने में कॉल करते हैं, और मोबाइल से जब वो पाकिस्तान कॉल करेंगे तो उनका जो उनका टेलको है $1 प्लस चार्ज करेगा पर मिनट। लेकिन अगर आप उनको एक लोकल नंबर प्रोवाइड कर दें जो कि उनके शहर का हो, फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज कीजिए कि न्यूयॉर्क का नंबर होगा, तो जब वो अपने मोबाइल से नंबर डायल करेंगे तो उनको लोकल कॉल चार्ज होगी। जैसा कि आपको शायद मालूम हो कि US के अंदर ज़्यादातर जो कस्टमर्स हैं उनके पास जो मोबाइल होते हैं उसमें लॉन्ग डिस्टेंस फ्री होती है, तो आप चाहे न्यूयॉर्क का नंबर ले लें चाहे कोई और शहर का नंबर ले लें तो लॉन्ग डिस्टेंस फ्री होती है, कॉल आपको पाकिस्तान में थ्रू अ लोकल NDI ऑपरेटर वापस आ जाएगी। वर्चुअल फोन लाइन टेक्निकली इस तरीके से काम करता है कि हम एक नंबर टेलको से ख़रीदते हैं, और उस टेलको से ख़रीदने के पास एक LDI को या इंटरनेशनल कैरियर को हैंड ओवर करते हैं, और उस हैंड ओवर करने के बाद एग्जांपल कॉल पाकिस्तान आनी है तो हैंड ओवर हम उसको लंदन में कर देते हैं। फिर जब वो कॉल लंदन पहुंचती है तो लंदन से वो कैरियर उस कॉल को लेके आपके मोबाइल तक पाकिस्तान में पहुंचा देता है। तो इसके अंदर लीगैलिटी के इश्यूज इस तरीके से कवर हो जाते हैं कि जो लाइसेंस कैरियर है जिसको पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, हम कॉल उसको देते हैं, वो कॉल पाकिस्तान देता है, लेकर आता है। इसी वजह से क्योंकि पाकिस्तान गवर्नमेंट ने रेट जो तय किया है वो 12 सेंट के करीब है होल सेल का, तो हम आपको वो सर्विस 15 सेंट पर मिनट में पाकिस्तान में दे देते हैं, और इसमें कोई इलीगल इशू या लीगल इशू इसलिए नहीं आता क्योंकि इट्स डन बाय लाइसेंस्ड ऑपरेटर। वर्चुअल फोन लाइन में आप और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप बिजनेस अर्न कर रहे हैं US के अंदर, तो अब आप उस नंबर को ऊपर एक छोटा सा ऑटो अटेंडेंस लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल थैंक यू फॉर कॉलिंग पाशा, प्लीज़ प्रेस 1 फॉर मेम्बरशिप इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ प्रेस 2 फॉर सेक्रेटेरियल इन्फॉर्मेशन, प्लीज़ प्रेस 3 फॉर दिस, 4 फॉर दिस, 5 फॉर दिस, और प्लीज़ डायल फॉर 0 फॉर ऑपरेटर। जब आप ये अटेंडेंस आपने लगा दिया, आपको बंदा कुछ भी डायल करे वो कॉल घूम फिर के आपके मोबाइल पे आ जाएगी, लेकिन आपको पता होगा कि एक प्रोसेस के थ्रू आई है। उसके अलावा आपकी कॉल रिकॉर्ड आप कर सकते हैं कि जो भी आपको कॉल हो रही है वो आप कॉल को रिकॉर्ड कर लें, और उसके बाद आप उनको सुन सकते हैं और उसको एज अ मेमो यूज़ कर सकते हैं कि आपकी ये कॉन्वर्सेशन हुई थी, तो यू डोंट हैव टू टेक नोट्स एट द टाइम ऑफ द कॉल। उसके अलावा आप अपनी कॉल के ऊपर फैक्स भी रिसीव कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर उसी नंबर पे कोई फैक्स भेजने की कोशिश करेगा तो उसको फैक्स की टोन मिल जाएगी और वो फैक्स बन के आपके ईमेल में आ जाएगा। कोई एक्स्ट्रा चार्ज हम नहीं करते इस चीज़ का। आप अपनी कॉल को MSN पर रिसीव कर सकते हैं, गूगल टॉक पर रिसीव कर सकते हैं, स्काइप पर रिसीव कर सकते हैं, और जब इन चीज़ों पर जब आप कॉल को रिसीव करेंगे तो आपको कोई भी परमानेंट चार्ज नहीं होगा, डायरेक्ट कॉल आएगी, इट्स विल बी एब्सोल्युटली ज़ीरो, देयर विल बी नो चार्ज। वैल्यू प्रोपोजिशन, इसका फ़ायदा क्या है? अब फ़र्ज़ कीजिए कि आप एक कंज्यूमर आइटम बेचते हैं और आप कहते हैं कि अपने कस्टमर को कि 20वीं मंजिल में मेरा ऑफिस है, वहाँ जाना। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप एक शॉपिंग मॉल के अंदर, डॉल्फिन सेंटर के अंदर फ्रंट की दुकान ले लें। तो दोनों में फ़ायदा ये होगा, डिफरेंस ये होगा कि आपको ट्रैफिक ज़्यादा मिलेगी। जो नीचे की दुकान होगी उसमें लोग ज़्यादा आएंगे, जो 20th फ्लोर का आपका ऑफिस है उसमें एक इल्ला माशाल्लाह कोई आएगा जिसको आना ही आना है। तो अगर कोई बिजनेसमैन आपको अमेरिका से पाकिस्तान कॉल करना चाहते हैं आपके बिजनेस के लिए, और आप चाहते हैं वो आपको कॉल ना करें, तो आप रेगुलर मोबाइल पे अपने कॉल रिसीव कर दीजिए। एक तो उसको $2 मिनट की कॉस्ट पड़ेगी, सेकंड ये कि वो बेचारा थक जाएगा मिला मिला के, वो पता नहीं कॉल मिलेगी नहीं मिलेगी। इस सूरत के अंदर हम एक Tier 1 कैरियर यूज़ करते हैं और आपके पास उसके लोकल कॉल पर आपको वो अवेलेबल हो जाता है। फ़ायदा ये होता है कि वो आपको ज़्यादा रीच कर सकता है।
इसका कॉन्सेप्ट एक और तरीके से मैं बताता हूँ कि जिस तरीके से टोल फ्री नंबर होता है, आप अपने कस्टमर को इनकरेज करते हैं कि आप टोल फ्री नंबर पे कॉल करेंगे तो आपको कोई कॉल चार्जेस नहीं होंगे, हम आपके कॉस्ट को बेयर कर लेंगे। तो बिल्कुल इसी तरीके से आपने एक किस्म का टोल फ्री नंबर बना लिया, इसका फ़ायदा ये कि कस्टमर आपको ज़्यादा कॉल करें। दैट्स इट।